गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लासेस। आज हम इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। लेसन वन का, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द फ्लावर्स इन द गार्डन आर बेंडिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड। फ्लावर्स जो थे ग्राउंड में, वो क्यों मुरझा गए थे, क्यों मुरझा गए थे? इसका आंसर क्या है? द फ्लावर्स इन द गार्डन आर बेंडिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड बिकॉज इट इज़ टू हॉट संडे। फ्लावर्स गार्डन में क्यों मुरझा गए थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए वह मुरझा गए थे, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। ये आंसर आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द वेदर बिकम्स लवली। उन सब ने ना क्या सोचा कि मौसम इतना अच्छा मौसम हो गया था, तो उन्हें क्या सोच रहे थे वो, है ना, क्यों सोच रहे थे ऐसा? तो द वेदर बिकम्स लवली दैट हॉट इट इज़ नॉट टू हॉट एनी मोर। वह मौसम को देखकर क्या बोल रहे, सोच रहे थे कि अब ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है, अब हम बाहर खेलने जा सकते हैं, हम ज़्यादा गर्मी नहीं है, ये सोच रहे थे वो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द थ्री फेरीज मेंशन इन द स्टोरी। थ्री फेरीज कौन थी स्टोरी में? मैंने आपको स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन की थी, आई होप आप लोगों को समझ भी आई होगी। थ्री फेरीज कौन कौन थी? तो नेम द थ्री फेरीज आर सनी विंडी एंड रेनड्रॉप्स। ये थ्री फेरीज थी, सनी विंडी एंड रेनड्रॉप्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आंसर आपको फेयर कॉपी में भी राइट करना है और लर्न भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बुक एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू।